एक भी नहीं होगा तेरे से यार। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मॉर्निंग तो देखो मेरी हो चुकी है और हाँ ओ भाई बन रही है चाय तेरी, जरा भी सब्र नहीं है भाई इस लड़के को चाय के मामले में। हाँ मैं क्या बोल रही, मॉर्निंग तो हो चुकी है लेकिन इतनी सुस्ती भरी मॉर्निंग में बता नहीं सकती। आज ना मैंने जिम जाना है, आज मैंने कहीं नहीं जाना है। भाई भाई साहब की मॉर्निंग चाय हो गई है तैयार। भाई अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो मुझे एक चीज याद आई खाना बनाते बनाते कि इंस्टाग्राम पे किसी ने मतलब रील बनाई थी, वो मैंने अपने मतलब इंस्टा स्टोरी पे भी लगाई थी, मतलब जिसमें मैं मतलब कंपाइल था वो बहुत सारी वीडियोस का, जिसमें मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे भूख लग रही है। तो वो रील एक्चुअली में बहुत फनी लगी मुझे, क्योंकि मैंने फिर नोटिस किया कि हाँ, वैसे तो मैं नोटिस करती रहती हूँ मैं कि हाँ मैं बहुत बोलती हूँ कि मुझे भूख लग रही है। मतलब उस रील को देखे तो मुझे और ज्यादा हंसी आ गई कि हाँ यार एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। तो सच बताऊँ तो अब यार ब्रेकफास्ट का टाइम है, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन हाँ मैं खाना बना रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे भूख ही लग रही है। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है बेसन का चीला, बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। बहुत सिंपल सा बना है ना, मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें, पता है इतना सिंपल है कि बस बेसन लिया, पानी डाला और मसाले डाल दिए, बस कुछ नहीं डाला मैंने, कोई प्याज नहीं, कोई टमाटर नहीं, कुछ भी नहीं। और पहला चीला तो यार तैयार भी हो गया। भाई अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आप लोगों से बात की तब मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मेरा कोई प्लान नहीं है, ना मेरे बाहर जाने का प्लान है, ना मेरे जिम जाने का प्लान है। हाँ जिम तो मैं नहीं गई लेकिन बाहर जाने का मेरा थोड़ा सा अचानक से बन गया प्लान, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया और फिर मेरे दिमाग में था कि चलो यार काम तो निपटाना ही पड़ेगा। आलस तो बहुत लग रहा था लेकिन मैं फिर फटाफट से तैयारी होगी और साथ में मेरी दोस्त भी आ रही है तो एक तरफ से हमारी आउटिंग भी हो जाएगी यार ना, तो काम भी निपट जाएगा आउटिंग भी हो जाएगी, तो चलो चलते हैं। पर भाई घर से निकलने से पहले मुझे प्रॉपर खाना बनाना ही पड़ता है, मतलब अपने भाई के लिए खाना खुना बनाया है मैंने, क्योंकि ये तो काम कर रहा है भाई। अभी बाल धोए, बाल भी नहीं सूखे, अब कोई नहीं रास्ते में ही सुखाते बाल। चलो आहा क्या धूप निकली है, काफी टाइम के बाद निकली यार। अभी तो मुझे अच्छी लग रही पर मुझे पता है थोड़ी देर में मुझे धूप खटकने लगेगी, क्योंकि मुझे धूप कुछ खास पसंद नहीं है। वैसे मैंने अभी एक चीज ध्यान दी कि मेरे फोन में एक अलर्ट आया हुआ है सुबह का, मतलब हैवी रेनफॉल का अलर्ट आया हुआ है आज ही की तारीख के लिए। पर आज तो यहाँ बड़ी अच्छी धूप लग रही है। नहीं 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 मेरे सर के ऊपर एकदम काला बादल है। कोई भरोसा नहीं, शिमला का मौसम कभी भी खराब हो सकता है। लगता मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई आज कहीं बाहर। भाई मेरे को इन्होंने चॉकलेट देनी थी, इसके साथ वनीला मिक्स कर दिया, अपनी दिखा दो तेरे को तो एक्स्ट्रा ही मिली है भाई। ये देख रहे हो तुम लोग शिमला का मौसम, एक साइड देखो कितने काले बादल और दूसरी साइड देखो कितनी तेज धूप लगी है। भाई मैं अभी घर पहुंच गई हूँ और मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही ज्यादा कैसे बताऊ शैतानी सा वो आया यार, एक प्लान, एक आइडिया। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने इससे पूछा भी घरान से पहले कि इसको कुछ खाना है, मतलब भूख लग रही है। वैसे तो मैं खाना बना के गई थी लेकिन होता ही नहीं है, मैं कुछ भूख लग रही तो मैं ले आऊंगी। तो इसने मुझे बोला कि तू मेरे लिए बर्गर ले आ, और मैं लेके आती हूँ वैसे बर्गर। और अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं इसको इतनी ईजिली बर्गर देने वाली नहीं हूँ। एक्चुअली घर आते आते मैंने एक वीडियो चैलेंज देख लिया था जिसमें यार वो बॉटल को फ्लिप कर रहे थे और जो फ्लिप कर पा रहा था उसी को खाने का मौका मिल रहा था। और फिर मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था यार ये जो बॉटल को फ्लिप करने वाला चैलेंज है ना, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि यार मैं ना बॉटल फ्लिप करने में बहुत माहिर हूँ, बहुत ही ज्यादा माहिर। तो मेरे दिमाग में चल रहा था यार मैं अपने भाई को इतना इजीली कैसे दे दूं बर्गर, मतलब अभी मैं उसको ना ये फ्लिप द बॉटल चैलेंज में फंसाऊंगी। और मुझे ये लग रहा है कि मुझे सिर्फ दो तीन बार फ्लिप करने की जरूरत है, अगर उसके पास नहीं हुआ ना फ्लिप तो दो तीन बार में मैं पूरा बर्गर खत्म कर दूंगी। और उसको ये नहीं पता है कि मैं दो बर्गर लेके आई, उसको तो मैंने ये बताया कि मैं एक ही लाई हूँ, मेरा इतना मन नहीं था तो मैं अपने लिए लेके आई, तेरे लिए लेके आई हूँ। अब देखते हैं कि ये चैलेंज कैसा रहता है। मेरे को कुछ भी चीज ना यार इतना इजीली मैं अपने भाई को दे दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। नो तो चलो करते हैं चैलेंज स्टार्ट। यार मैं क्या सोच रही हूँ ना, मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट तो हूँ कि मैं बॉटल फ्लिप कर लूंगी, एक बार मैं डेमो देख के तो देखती हूँ कि मेरे में मतलब अभी भी है वो टैलेंट बॉटल फ्लिप करने का कि नहीं, पहले चेक कर लेती हूँ एक बार इसको चैलेंज देने से पहले, पता चले मैं ही हार गई। ये देखो ये है मेरी बॉटल रेडी, इसमें थोड़ा सा पानी और हम यहाँ पे करेंगे इस चैलेंज को। ये देखो एक बार और ट्राई कर लेती हूँ।
भाई मैंने अभी 5 अटेम्प्ट किए, 5 में से 3 बार बॉटल खड़ी होगी, 1 बार बॉटल नीचे गिर गई और 1 बार बॉटल ऊपर ही गिर गई, तो ठीक है मतलब मैं कर लूंगी मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल अभी हितू तो वही नहाने गया, तो बस जैसे ही नहा के निकलता है ना वैसे ही मैं इसको ये चैलेंज करने को बोलूंगी। बर्गर तो बेटा है, देखो वहां नजर जा रही है तुम्हारी, बर्गर वहां रखा है लेकिन बर्गर यार थोड़ा सा ना ऐसे हिलके हो गया, चलना नहीं 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 क्या चलना, गुड्डा दिख गया, उसकी पूंछ दिखी पीछे से, क्या दिखा रहा है, मेरी माँ उसका नाम, मेरी माँ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ही चाहिए, चाहिए दे दे इसको, दे दे ले जाना, तो बर्गर दे उसको, नहीं 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 तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को इतनी इसलिए बर्गर दूंगी, देखा रास्ते में आते आते मैंने ना वो फ्लिप द बॉटल चैलेंज देखा था, जो जितनी बार बॉटल को फ्लिप करेगा उसके नसीब में है ये खाने के लिए भी चैलेंज भाई, एक लौता बर्गर चाहिए ना, यूट्यूबर्स के घर में भूख लग रही थी, पहले चैलेंज करके वीडियो बनाओ तब तो खाना नहीं मिलेगा, मम्मी आ गई ना यूट्यूब में ना भाई, रहने दे तू, गाइस इसके लिए मैंने रोटी बनाई थी, रोटी खा चुका है ये, सिर्फ ऐसा ही है, चलना फुटिया से चल कर इसको क्या करना है, अगर फ्लिप करना है जित, अगर तूने फ्लिप कर दिया तो तू खाना स्टार्ट कर देगा, अगर नहीं किया तो फिर मैं जो फ्लिप करेगा वो इसमें बाइट मार सकता है, हाँ कर 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 दिखा नाउ माय टर्न, या तो चल तेरे को 2-3 टर्न देती हूँ, 3 में से देखते कितनी, नहीं वाह चल फुटिया से फुटिया से फुटिया, डबल करूंगा डबल फ्लिप, एक सिंगल फ्लिप नहीं, और अरे अरे गाइस इसने लाइट क्या है तू है ही नहीं, लाइट लाइट दिखा दो, चल लाइट नहीं बट स्टिल चल चल मैं दिखाती हूं तेरे को अपना टैलेंट, अगर मैंने कर दिया ना 3 बार में से 1 बार तो कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं, 2 बार और बचा, मैंने इससे पहले ट्राई तो किया था, नहीं होगा नहीं होगा इससे, नहीं होगा 2 बार भी नहीं हुआ, बॉटल से करके ये क्या सेंस है भाई, मेरे को गंदे वाली मेरे को गंदे वाली बॉटल दे, चल हो गया 3 बार, ऐसा नहीं होता, चलिए एक लास्ट ट्राई कर लेते, अच्छा दो ट्राई कर ले, ले आजा दो ट्राई, और अगर 2 हुआ मेरा ही, ठीक है ठीक है, एक लास्ट अगर नहीं हुआ तो मेरा ही है ना बर्गर, मेरी किस्मत कितनी हुआ इससे पहले तो किसी ने फ्लिप नहीं किया, करके दिखा, भगवान मेरा साथ दीजिएगा, अगर नहीं गिरी क्या तो टिकेगी, ऐसा यार प्रैक्टिस भी की थी उसमें तो हो गया था, लेकिन अभी नहीं बंदे ने दोनों कर दिया, ये प्याज हटा ले खा ले, चल एक बाइट मार ले बाकी मिल ले फिर, ठीक है देना भाई, देख इतना मैंने मैजिकल किया यार, ये बहुत ऑसम चीज थी राइट, दोनों साथ किया मैंने, चला भाग जाए, अबे रुक तो, तेरे को क्या लग रहा है, एक बार कर लाया मैंने अपने लिए भी लाया, चल ना तेरे को बस ट्रिक करना था मैंने, कि मेरे दिमाग में तो चल रहा था शायद तू ना कर पाए, पर भाई तू भी आइटम ही निकला, हमें प्रो हर चीज में मजाक है क्या वैसे भाई मुझे ना अपने भाई के साथ ना चैलेंज नहीं रखना चाहिए, मतलब ये ना पकौड़ा प्रो मैक्स है, मतलब चैलेंजेस के मामले में पता नहीं इसको क्या हो जाता है यार, मैंने इससे पहले प्रैक्टिस की, मेरे से एक बार भी नहीं बॉटल फ्लिप हुई, और मैं अच्छी हूँ एक्चुअली, मैं अच्छी हूँ मैं बॉटल फ्लिप में, और इसने 2 कर दी एक साथ, वाह मतलब पकौड़ा प्रो मैक्स। तो चलिए फिर आज की परंपरा स्टार्ट करते हैं, अपने फटाफट से कॉमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे ना वीडियो में ये कॉमेंट्स भी मैंने पढ़े कई लोगों के, कि मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ आजकल, पर ऐसा नहीं है यार, मैंने सिर्फ पिछली वीडियो में नहीं पढ़े थे, उससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में तो मुझे याद है एनीथिंग, हाँ यार मैंने पढ़े थे लास्ट टू लास्ट वीडियो में, मैंने कमेंट्स पढ़े थे लेकिन पिछली वीडियो में नहीं पढ़े थे, तो चलो इस वीडियो में मैं ना फटाफट से अपनी बकवास सुनाए बिना कमेंट्स पढ़ लेती हूँ तो जो पहला कमेंट है जो मैंने सिलेक्ट किया है वो अहमद जी की तरफ से है, उन्होंने क्या लिखा है, देखिए दीदी मुझे बात करने दो, आपसे इस बार सुनाकर रहूंगा कमेंट कि आपका बर्थडे कब है, प्लीज टेल मी, बाय द वे मेरा नाम ले लो दीदी एक बार, लव फ्रॉम बांग्लादेश, अहमद मैं आपका नाम एक बार नहीं 4-5 बार ले सकती हूँ, अहमद 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 जस्ट किडिंग, मैंने आपका नाम ले लिया बाय द वे, और मेरा बर्थडे यार 9th of March को आता है, तो चलो फटाफट से दूसरा कमेंट पढ़ते हैं, दूसरा कमेंट है वो है सृष्टि जी की तरफ से है वो,
ओ ये तो बड़ा ही भयंकर कमेंट है यार। इस पर लिखा है सेइंग यस टू स्मार्टी पाई भैया फॉर 24 आवर्स चैलेंज हार्ड इमोजी कैन यू कंप्लीट माय चैलेंज। तुमको पता है 24 आवर चैलेंज ना मतलब मेरे दिमाग में कई बार चलता था कि यार मैं इसके साथ 24 आवर चैलेंज करूं, बट वही डर लगता है मुझे इसके साथ 24 आवर चैलेंज करने में। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर मैंने इसको बोल दिया ना कि हाँ भाई 24 घंटे के लिए तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी, इसने तो मेरा मतलब हलवा ही बना देना। यार ये मेरे पे बहुत भारी पड़ेगा चैलेंज, मुझे बस इतना पता है। मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा है इस कमेंट को पढ़ने के बाद, एक आइडिया आया मुझे कि क्यों ना मैं अपने भाई को ऐसे थोड़ा ट्रिक करूं कि मैं उसे 24 आवर्स के लिए हाँ ना करूं, वो मुझे 24 आवर्स के लिए हाँ करे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? बाकी हाँ मेरे को लग रहा है कि बहुत टाइम से लेकर ना मैंने कोई चैलेंज वीडियो नहीं किया है, जो कि हाँ मैं भी देख ही रही थी अभी अपने चैनल पे कि बहुत टाइम से चैलेंज वीडियो नहीं आया है और मेरा काफी मन भी है चैलेंज वीडियो करने का। तो आप लोग ना मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में ना ये चीज बताओ कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना मेरे दिमाग में कि चैलेंज वीडियो आएगी, लेकिन चैलेंज क्या करना है, फूड चैलेंज करूं या फिर ये 24 आवर यस वाला चैलेंज। मतलब या तो ये मैं करूंगी जैसे मैंने अभी बताया, या तो मैं ट्रिक करके अपने भाई से करवाऊंगी कि 24 आवर्स मेरे भाई ने मुझे हाँ बोला है हर चीज के लिए। तो ये लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि चैलेंज कौन सा करूं। तो आज का लास्ट कमेंट है, मतलब आज मैंने 3 कमेंट्स पिक किए हैं। लास्ट कमेंट है वो यस स्वीटी पाई जी की तरफ से, और बहुत प्यारा कमेंट था यार ये। दीदी मैं आपके हर वीडियो पर कमेंट करती हूं पर आप मेरा कमेंट कभी नहीं लेती, देखो यार मैंने आज ले लिया आपका कमेंट, आप बहुत क्यूट एंड स्वीट हो और मेरी तरफ से यस स्मार्टी पाई को आई लव यू। बिल्कुल बोल दूंगी मैं यस स्वीटी पाई, आपकी तरफ से स्मार्टी पाई को भी आई लव यू बोल दूंगी। आप लोग इतने बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियो में, आई एम रियली सॉरी कि अगर मैं कुछ वीडियोस में आप लोगों के कमेंट्स पिक करना भूल जाती हूँ, भूलती नहीं हूँ एक्चुअली, वीडियो कभी बहुत लंबा चल जाता है तो मैं सोचती हूँ कि यार नेक्स्ट उसमें बता दूंगी कमेंट्स ना, तो मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए वीडियो चाहे जितनी मर्जी लंबी हो मुझे पिक करने चाहिए कमेंट्स, मेरी गलती है, मैं बिल्कुल मानूंगी मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी, वीडियो चाहे जितनी मर्जी लंबी हो आप लोगों के कमेंट्स में जरूर पिक करूंगी। चलिए फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए यार। ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।